लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी, खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत है। फिरोजाबाद मेडिकल कॉलेज के एनसीसी वार्ड में पेयजल किल्लत। जी हां, मरीज के तीमारदार बाहर से पानी की बोतल खरीद कर लाते हैं, स्टाफ तक करता अपनी व्यवस्था खुद। जी हां, धूल फाक रहा है यहां का आरओ। बता दें, फिरोजाबाद शहर के मेडिकल कॉलेज में बने एनसीसी वार्ड अर्थात सीनियर सिटीजन के लिए बना आईसीसी यूनिट में पिछले करीब एक सप्ताह से पानी की समस्या गहराई हुई है। यहाँ पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ मरीज के तीमारदारों को बाहर से पानी की बोतल खरीद कर या घर से थर्मस लेकर आना पड़ता है। वहीं रहने वाला स्टाफ भी पानी खरीद कर अपनी व्यवस्था कर रहा है। वहीं नाम के लिए लगा आरओ केवल धूल फांक रहा है। देर रात वार्ड के अंदर किसी बुजुर्ग को अगर प्यास लगी तो फिर वो कहाँ जाएगा, सोचने वाली बात है। इतने बड़े मेडिकल कॉलेज के इस वार्ड में पेयजल की किल्लत होना काफी गंभीर बात है। मरीजों के तीमारदारों ने यहाँ का हाल बयां किया। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सरोज। सरोज जी, क्या मामला है यहाँ का और किस प्रकार समस्याएं हैं? 8 दिन से रिक्शा टूट रहा है और 4 दिन से पानी नहीं आ रहा टॉयलेट में। कहाँ से आ रहा है पानी? पानी बाहर से ला रहा है 16 नंबर। यहाँ पर कितने दिनों से मरीज भर्ती है आपका? मेरा 14 दिन हो गए। कब पानी की समस्या कब से है? 8 दिन हो गए। वो 8 दिन रिक्शा टूटे हुए, 4 दिन पानी से हो गए। तो कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं है। किसी से कहा आपने? सबसे कहा, छोड़ा, कोई नहीं सुन रहा है। कोई सरकारी काम है वो नहीं पा रहे हैं, लिख के भेज दिए। कौन कहता है ये? रिक्शा की स्टाफ कहता है। रिक्शा के 4 दिन कहे, हमने पर्ची बना के भेज दी। पर्ची पढ़ी लिखी हो तो पर्ची देखो, तो पर्ची भेज दी। सरकारी काम हो नहीं पा रहे है। अच्छा, आपका मरीज चलने फिरने लायक है? नहीं। तो फिर रिक्शे के सारे ही चलता है? रिक्शे वो तो 8 दिन हो गए, कुछ खाई नहीं, लेटिन गए ही नहीं। अभी वो उठा के करनी पड़ती है, बेड पर लेटी है। अच्छा, पानी कौन सा पीने का नहीं है, हाथ धोने का नहीं है? पता ही नहीं है पानी कैसा भी नहीं है। वहीं से आया तो बस बाथरूम में हो पानी, और पीने के लिए तो वहीं से आते। क्या क्या मामला है, क्या परेशानी है यहाँ पर? पानी की परेशानी है। कैसी परेशानी है? पानी है ही नहीं यहाँ पर। कब से नहीं है? लेकिन अब घर से पानी मंगाया, अभी बच्चे परेशान हो गए, थक गए हैं, लाकर बोतलें भरवा के मंगाई हैं हमने। कहाँ रहती हो आप? 8-10 बोतलें रोज आ जाती हैं घर से, बच्चे देने आते हैं। पानी पीने का है यहाँ पर? नहीं, बाहर से लाते हैं पानी। ना पीने का, ना फेंकने का, ना 16 नंबर वार्ड में जाते हैं।